सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल ऑटो अनव्हील्ड पे। तो हाइब्रिड गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और ऐसे में जो है ना गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कम है कि हम नई नई गाड़ियाँ ले सके हाइब्रिड के साथ। सो आने वाले कुछ टाइम के बाद मैं अगर आप लोग को बताऊँ तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो हाइब्रिड के साथ लॉन्च होने जा रही है। वो कौन सी गाड़ी रहने वाली है और किस कंपनी की रहेगी, लॉन्च डेट, फीचर्स और एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें जो है ना इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखोगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए रहेगी। तो चलिए हम लोग बिना देरी शुरुआत करते हैं। हाइब्रिड गाड़ियों में जो सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी आने वाली है वो रह सकती है महिंद्रा की तरफ से आने वाली XUV500। ये बिल्कुल नया जनरेशन हो सकता है इस गाड़ी का। जो है ना एक तरीका मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक ये चल रहा है इस गाड़ी के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि या तो ये गाड़ी जो है ना 7 सीटर के साथ आएगी या फिर इस गाड़ी को जो है ना कॉम्पैक्ट SUV की रेंज में लॉन्च किया जाएगा। और इसका जो प्लेटफॉर्म हो सकता है, जहाँ तक कंपनी ने बताया है जब इसके रेंडर्स जहाँ से दिखे है उसमें जो है ना XUV700 का जो है ये इसको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जिस वजह से जो है ना लुक्स आप लोग को कहीं ना कहीं XUV700 जैसे ही लगेगी। डिज़ाइन पूरी तरीके से जो है ना नया इसके अंदर रहने वाला है, और साथ ही में इंटीरियर पूरी तरीके से इस गाड़ी के अंदर चेंज रहेगा और मेजर अपग्रेड्स इस गाड़ी को दिया जाने वाला है। यहाँ पे जो है ना आप लोग को 1.5 लीटर का आप लोग को हाइब्रिड पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है जो कि 130 bhp की पावर निकालेगा। एडवांस लेवल के फीचर्स आप लोग को यहाँ पे दिए जाएंगे, और साथ ही में वायरलेस चार्जर आप लोग को ऑफर किया जाएगा, वेंटिलेटेड सीट्स होंगे, पैनोरामिक सनरूफ होगा, और भी कई सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो आप लोगों को इस XUV500 न्यू जनरेशन के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी। लॉन्च डेट के बारे में बताता हूँ। देखिए इस गाड़ी का लॉन्च डेट थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट अभी सिर्फ महिंद्रा मोटर्स ने जो है ना इस गाड़ी के बारे में सोचा है कि 500 को हाइब्रिड के साथ लॉन्च किया जाए, और इस गाड़ी का लॉन्च डेट जो है ना 2025 के शुरुआती या फिर बीच तक आप लोग को जो है ना ये गाड़ी देखने को मिल सकती है। तो चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रैंड विटारा आने वाली है 7 सीटर के साथ। अब ये हाइब्रिड के साथ तो ऑलरेडी मार्केट में आती है, जिसने पहले ही बहुत ज़्यादा बवाल मचा के रखा हुआ है यहाँ पे। अब इसको जो है ना 7 सीटर के साथ लॉन्च करने जा रहे हैं, और आप लोग जानते ही है जो 7 सीटर की जो मांग है वो भी बहुत ज़्यादा है यार मार्केट के अंदर। तो 7 सीटर के साथ इस गाड़ी को जब लॉन्च किया जाएगा तो इसकी प्राइस रेंज जो है ना 1 से 1.5 लाख रुपये यहाँ पर बढ़ सकती है। 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोग को ये यहाँ पर दिया जाएगा, और एक जो है ना 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोग को ऑफर किया जाएगा। मैनुअल CVT और ECVT गियरबॉक्स आप लोग को इसमें पेयर किया जाएगा ट्रांसमिशन के साथ, और यहाँ पे जो है ना फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड आप लोग को दिए जाएंगे। बिग इन्फोटेनमेंट सिस्टम होगा, ट्रिपल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल होगा, Level 2 का ADAS आप लोग को इसमें दिया जाएगा। देखिए पैनोरामिक सनरूफ तो आप लोग को ऑलरेडी इस गाड़ी के अंदर मिलता है, बट अभी जो है ना इसके अंदर आप लोग को जो है ना एम्बिएंट लाइट का ऑफर भी मिल सकता है। आप लोग को डायमेंशन इस गाड़ी की चेंज है, वाइड टायर्स आप लोग को यहाँ पे दिए जाएंगे, और इस गाड़ी का जो है ना एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जो है ये गाड़ी आप लोग को फेस्टिव सीजन तक यहाँ पे देखने को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में हम बात करते हैं। तो स्विफ्ट आ रही है हाइब्रिड के साथ। आप लोग जानते ही है स्विफ्ट को जो है ना पूरी तरीके से टीज कर दिया गया है यहाँ पे जो है ना न्यू जनरेशन को। ये बहुत ज़्यादा सिमिलर ही है यार पुराने मॉडलों से ना, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। इसको हाइब्रिड के साथ भी लॉन्च किया जा सकता है। अभी तो जो है ना इसका नया जनरेशन ही आने वाला है जिसको टीज किया गया है, बुकिंग्स काफ़ी ज़्यादा ओपन हो चुकी है, और इसकी प्राइस रेंज जो है ना 8 से 12 लाख रुपए के बीच में एक्सपेक्टेड रखी जा सकती है। लुक्स बहुत ज़्यादा प्रीमियम है इस गाड़ी के। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोग को दिया जा सकता है इसमें। 98 bhp की पावर और 115 या 120 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। मैनुअल ऑटोमेटिक और CVT गियरबॉक्स आप लोग को इसके अंदर दिया जाएगा। पैडल शिफ्टर्स होंगे इस गाड़ी के अंदर पहली बार, ठीक है। इंटीरियर कहीं ना कहीं आप लोग को जो है ना सेम ही लगेगा, बट इंफोटेनमेंट सिस्टम और कॉस्मेटिक चेंजेस तो होंगे ऐसी बात नहीं है, बट गाड़ी बहुत ज़्यादा ऐसी आप लोग को नहीं लगने वाली, बट प्रीमियम आप लोग को ज़रूर से ये फील होने वाली है। इस गाड़ी का जो है ना लॉन्च डेट मैं आप लोग को बताता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग को अभी बहुत 1 या 1.5 महीने के अंदर जो है ना ये गाड़ी आप लोग को यहाँ पे मिल सकती है। सो नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आने वाली है स्कोडा मोटर्स की तरफ से ओक्टाविया RS4। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक्स के साथ आने वाली है, एक हाइब्रिड सेडान रहने वाली है, जिसमें आप लोग को जो है ना सामने से एक LED लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा, जिसके जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा शार्प लग रहे हैं। एक मैसिव ग्रिल होगा इसके अंदर, पैनोरामिक सनरूफ दिया जा सकता है, बट ये पॉसिबल है कि नहीं है वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे जब ये गाड़ी आएगी। प्राइसिंग बताता हूँ एक्सपेक्टेड, देखिए 25 से 30 लाख रुपये, यानी कि 25 से 30 लाख रुपये तक ये आप लोग को एक्सपेक्टेड पड़ सकती है। 1.4 लीटर का 4 सिलेंडर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोग को देखने को मिल सकता है जो कि 140 bhp की पावर निकालेगा।
इसके इंटीरियर बहुत ज़्यादा लग्जरी और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होने वाले हैं आप लोग को। मल्टी कलर के अंदर आप लोग को जो है ना इसके अंदर एम्बियंट लाइट्स देखने को मिलेंगे और वेंटिलेटेड सीट्स होगा। एडास का सेफ्टी फीचर भी आप लोग को दिया जाएगा, वायरलेस चार्जर होगा, कूल ग्लव बॉक्स होगा और भी कई सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो आप लोगों को इस स्कोडा ऑक्टाविया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं एक्सपेक्टेड, तो देखिए ये आप लोगों को 2025 तक देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो होंडा मोटर्स की तरफ से आ रही है सिविक न्यू जनरेशन के साथ। ये 6th जनरेशन रहेगी सिविक की जिसको लॉन्च किया जा रहा है और काफ़ी मेजर अपडेट्स के साथ इस गाड़ी को लाने वाले है। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा शार्प रखा जा रहा है इस बार और लाइटिंग सेटअप पूरी तरीके से प्रीमियम है इस गाड़ी का और जो कि LED के अंदर ही आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। 2.0 लीटर का IVTEC पेट्रोल इंजन आप लोग को दिया जाएगा और जो दूसरा इंजन होगा वो होगा 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। इसके अंदर आप लोग को मैनुअल DCT CVT और ECVT गियर बॉक्स देखने को मिल सकता है। इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। इसके अंदर एडवांस लेवल के जो है ना टेक्नोलॉजीज यूज़ किए जाने वाले हैं इस गाड़ी को और भी ज़्यादा प्रीमियम बनाने के लिए और इस गाड़ी का लॉन्च डेट जो रह सकता है ये आप लोग को एंड ऑफ द ईयर प्रोवाइड करा दी जा सकती है। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं देखिए तो यहाँ पे आ रही है मारुति सुजुकी की तरफ से एस क्रॉस न्यू जनरेशन। आप लोगों को पता है फॉरेन कंट्रियों में जो है ना एस क्रॉस न्यू जनरेशन लॉन्च कर दी गई हुई है और बिक भी काफ़ी अच्छे तरीके से रही है। बहुत ज़्यादा प्रीमियम है ये गाड़ी और अगर हम इसको देखते हैं अपने अच्छे तरीके से तो ये कहीं ना कहीं ग्रैंड विटारा जैसा लुक दे रही है। फीचर्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, नया ग्रिल है पूरी तरीके से और लाइटिंग सेटअप काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है इस गाड़ी में। पैनोरामिक सनरूफ आप लोग को मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़ा खुलता है। इसकी जो है ना एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज जो हो सकती है वो 12 से लेके 16-17 लाख रुपए तक हो सकती है, यानी कि 12 से लेके 16 लाख रुपए ऑनवर्ड्स। 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन होगा और दूसरा इंजन होगा 1.4 लीटर का बूस्टर जेट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो कि मैनुअल DCT और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेयर होगा। एडास का सेफ्टी फीचर आप लोगों को दिया जाएगा, 360 डिग्री कैमरा होगा, वेंटिलेटेड सीट्स होंगे और भी कई सारे ऐसे ज़बरदस्त फीचर आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर दिए जाएंगे जिससे आपका मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। लॉन्च डेट इस गाड़ी का जो है ना 2025 तक या फिर उससे पहले पहले 2024 के लास्ट तक ये गाड़ी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं तो टोयोटा मोटर्स की तरफ से आने वाली है बेल्टा। ये सियाज का रीबैच वर्जन है पूरी तरीके से, ठीक है। आप लोग जानते ही है सुजुकी, मारुति सुजुकी और टोयोटा का टाइप है, दोनों एक दूसरे की जो है ना टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं जिसमें जो है ना मारुति अपनी गाड़ियां टोयोटा मोटर्स को देता है जो कि अपना बैच लगाकर बेचते हैं। इसकी कीमत जो है ना 10 से लेकर 12 लाख रुपये से शुरू हो सकती है एक्सपेक्टेड और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी है। आप लोग जानते हैं सीडान गाड़ी है तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम आप लोग को फील करवाती है। यहाँ पर लग्जरीनेस भी आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे स्टैंडर्ड का मिल जाएगा। 1.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोग को ऑफर किया जाएगा इसमें जो कि 105 BHP की पावर और 138 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप लोग को देखने को मिल सकता है इस गाड़ी के अंदर और यहाँ पे जो है ना 360 डिग्री कैमरा, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आप लोग को दिया जाएगा, वायरलेस चार्जर होगा और इस गाड़ी का जो है ना लॉन्च डेट रह सकता है 2025 या फिर 2024 के लास्ट तक ही ये गाड़ी भी आप लोग को मिल सकती है। और यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट गाड़ी जो आ रही है वो रेनो मोटर्स की तरफ से रह सकती है अरकाना, ठीक है। और रेनो मोटर का आप लोग जानते हैं गाड़ी काफ़ी अच्छी बनाता है, रेनो मोटर्स भी काफ़ी बजट फ्रेंडली गाड़ी बनाता है और ये अरकाना भी जो है ना एक बहुत ज़्यादा एक यूनिक डिज़ाइन के साथ इस गाड़ी को बनाया जाएगा जो कि कूपे डिज़ाइन के साथ आने वाली है। लग्जरी सीडान आप लोग इसको बोल सकते हैं, सीडान भी नहीं है, क्रॉसओवर है। डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं वो कूपे डिज़ाइन है, एल शेप के अंदर DRL, प्रीमियम लुक्स एंड डिज़ाइन दिए जाएंगे इस गाड़ी को और एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज जो है ना 16 से लेके 20 लाख रुपए, 16-20 लाख। 1.6 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो कि मैनुअल ऑटोमेटिक DCT गियर बॉक्स के साथ पेयर होगा। एडवांस फीचर्स दिए जाएंगे, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, 360 डिग्री कैमरा होगा, वेंटिलेटेड सीट्स, एडास दिया जाएगा आप लोगों को सेफ्टी के लिए और रेनो मोटर्स को बहुत जल्दी इसको लॉन्च करना चाहिए। इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जो है ना 2025 तक। हो सकता है कि टाटा मोटर्स जब अपनी कर्व को लॉन्च करे इस गाड़ी को भी जो है ना रेनो मोटर लेके आए मार्केट के अंदर, कुछ कह नहीं सकते। चलिए लास्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं इस लिस्ट की, तो यहाँ पे आने वाली है लैंड रोवर की तरफ से डिफेंडर हाइब्रिड। 1.15 करोड़ रुपए जो है ना आप लोग को ज़्यादा पे करने पड़ेंगे इस हाइब्रिड गाड़ी के लिए। 2.0 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, 394 BHP, 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 14 से लेके 20 KMPL की माइलेज जो है ना ये गाड़ी निकाल के दे सकती है आप लोगों को अगर आप लोग अच्छे से चलाओगे।
ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, टेरेन मोड आप लोग को मिल जाते हैं, ड्राइव मोड्स आप लोग को दिए जाते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर, और मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग व्हील आप लोग को दिया जाता है जिसमें सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। बिग इन्फोटेनमेंट सिस्टम डुअल जोन के साथ, एसी क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ और भी कई सारे ऐसे एडवांस लेवल के फीचर्स आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर दिए जाएंगे। इस गाड़ी का लॉन्च डेट जो रह सकता है ये आप लोगों को 3 से 4 महीने के अंदर ये गाड़ी अवेलेबल करा दी जाएगी यहाँ पे। तो ओवरऑल ये वो गाड़ियाँ थी जो आप लोगों को अब हाइब्रिड गाड़ियों के साथ, यानी कि हाइब्रिड इंजन के साथ आप लोगों को नई नई गाड़ियाँ देखने को मिलने वाली है इंडियन मार्केट में। आप लोग बताइए आप लोगों को कौन सी गाड़ी अच्छी लगी। अगर आप लोग किसी गाड़ी पे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं उस गाड़ी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जो है ना कोशिश करेंगे उस गाड़ी पे पूरी तरीके से डेडिकेटेड वीडियो लेके आए आप लोगों के लिए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आप लोग को ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, आप लोग रखना अपना ध्यान। वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।